इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर रोड पर गाड़ी खराब होने पर एक व्यक्ति ने ह्युंडई के सीईओ पर एफआईआर करा दी। जानकारी के अनुसार ह्युंडई सीईओ सहित 27 लोगों पर एफआईआर कराई गई है। बता दें कि यूपी के कानपुर की घटना है, जहां वकील शैलेंद्र पांडे ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने ह्युंडई की गाड़ी ली थी, जिसके बाद हाल में नोएडा जाते वक्त एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी खराब हो गई, रोड साइड असिस्टेंस भी नहीं दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रोड साइड असिस्टेंस के लिए वो हर साल कंपनी को हजारों रुपए देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर रोड पर गाड़ी खराब होने पर एक व्यक्ति ने ह्युंडई के सीईओ पर एफआईआर करा दी। जानकारी के अनुसार ह्युंडई सीईओ सहित 27 लोगों पर एफआईआर कराई गई है। बता दें कि यूपी के कानपुर की घटना है, जहां वकील शैलेंद्र पांडे ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने ह्युंडई की गाड़ी ली थी, जिसके बाद हाल में नोएडा जाते वक्त एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी खराब हो गई, रोड साइड असिस्टेंस भी नहीं दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रोड साइड असिस्टेंस के लिए वो हर साल कंपनी को हजारों रुपए देते हैं।